सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस। तो आज अपन चलाएंगे अपनी एक्सेस। इसको भी चलाए हुए एक हफ़्ता हो गया था और इसको फ्यूल भी नहीं था इसमें। एक हफ़्ता तो नहीं बोल सकते, एक हफ़्ते के लगभग लगभग तो हो गया इसको टाइम। ये मेरे डैडी चलाते ये गाड़ी, तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज RS छोड़ के एक्सेस पे बनाया जाए। ये भी अच्छी भागती है भाई। इसमें थोड़ा फ्यूल अप कराते, पहले फ्यूल भराते, इसमें फ्यूल नहीं है। जाना तो था वैसे आज बूरा बाज़ार मार्केट, बट आज दूसरे काम में पूरा टाइम चला गया। चलो चलते हैं। और ये मेरी एक्सेस है BS4। तो आज कुछ खास नहीं करेंगे ना, आज कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज मॉडिफिकेशन आज कुछ नहीं। आज सिर्फ थोड़ी गेड़ियाँ मारेंगे इधर उधर, मतलब थोड़ा भटकेंगे यहाँ वहाँ। तो ये आ गया पेट्रोल पंप, अब मैं मिलता हूँ आपको पेट्रोल भराने के बाद। इधर तो गर्दी थी इसके लिए मैं निकल गया यहाँ से, अब दूसरे पेट्रोल पंप पे जाके देखते। तो चलो RS चलाने के बाद जब इसको चलाते हैं ना तो बहुत एकदम लाइट फील होती है। ये ऐसा लगता है कुछ चला ही नहीं रहा हूँ मैं, वो थोड़ी हैवी है और ये बहुत ज़्यादा लाइट है वेट में। कहाँ पे भी घुस जाते हैं। स्कूटी पे तो मैं आज पहली बार मोटो व्लॉग कर रहा हूँ। अरे तेरी आज सब जगह इतनी गर्दी क्यों है भाई। पेट्रोल के लाइन के, चलो पेट्रोल भरा के मिलते हैं अब सीधा। चलो इसको भी चलाने का अलग ही मजा है। ये चल रही है सेल्फी बाइक पे चलते चलते, मतलब एक्सेस पे। इसको भी सेकंड ही लिया था एक्सेस को। अरे बच गया भाई, पट्टी इधर है भाई साहब उधर है। और ये सिग्नल टूटा, अवार्ड सिग्नल तोड़ने का। एक और गाड़ी है मेरे पास, उसके ऊपर भी एक दिन व्लॉग शूट करेंगे अपन। चलो बहुत बुरे लग रहे, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। गर्मी बहुत बढ़ गई है, जे माउंट लेना भी रह गया। और फिर किसी दिन जाएंगे जे माउंट लेने। और RS के लिए भी एक चीज़ लेना है, एक चीज़ लेके आया हूँ और एक चीज़ लेना है, अब वो पता चलेगी आपको दो तीन व्लॉग के बाद में, जब अपन उसकी फिटिंग करवाएंगे। मतलब सेफ्टी से कुछ है, अब आप कमेंट करके बताना क्या है वो चीज़ जो मैं RS के लिए लेके आऊँ सेफ्टी सेफ्टी के लिए। ओहो मामा खड़े हैं भाई फ़ोन लेके इंतज़ार में और इंतजाम में। क्यों ले रहे, चले जा भाई। पकड़ लिए, मसला हो गया भाई। बच गए, वाह सिग्नल भी तोड़ दिए फिर। अच्छा बचा लिया। मामा गरम हो गए ले भाई।
अभी जो पकड़ा जाएगा अगला वो फंसेगा, फाइन भर के जाएगा लगता है। चलो अपन लोग भी चलते हैं और एक अच्छी सी जगह पे जाके अपना व्लॉग एंड करते हैं। वैसे आज कुछ किया तो नहीं, आप कौन फ़ोन कर रहा है? ओहो ये क्या है? हाँ हाँ जातिवाद सर, ये सही है, ये वाला हिस्सा सही था। वीडियो का टाइटल डालूँगा शैडो किधर है। अच्छा आइडिया है। अरे बहुत सारी होली बनाई ये टाइम। चलो अच्छा, बहुत सालों से त्यौहार त्यौहार जैसे नहीं लग रहे थे, 2 साल से जब से कोरोना था। एक्सेस ही एक्सेस हर जगह। अरे चलो यार क्या करेंगे, इसमें जो व्यूइंग एंगल है कैमरे का वो अच्छा आना चाहिए, क्योंकि ये तो जो मेरा कैमरा एंगल है ये तो RS के हिसाब से है। चचा ने हाथ दिखा दिए अपने को, बोले रुको हम आ रहे। ठीक है भाई आओ। डॉच गेम निकल गए। फंसा दिया भाई ने अपने को, ना खुद गए ना हमको जाने दिए। क्रॉस। चलो बहुत ट्रैफिक है। फॉर्चुनर सॉरी भाई, तो हल्का सा मेरा टच हो गया और ये ऐसा सो गया। गर्मी ने सबसे ज़्यादा बुरा हाल किया है। और ये है यहाँ पे तो मैंने 10 बार आया हूँ, 10 बार। जैसे जैसे धीरे धीरे करके मेरी व्लॉगिंग का लेवल थोड़ा बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बढ़ेगा, तो फिर किधर पे भी जाके ब्लॉक करने में टेंशन नहीं होगी। अभी कैसे 2-4 लोग ज़्यादा हो जाते हैं ना, मतलब ज़्यादा दिखने लगते हैं ना मुझे लोग, तो मुझे डर लगने लगता है फिर, मतलब मैं नहीं कर पाता हूँ उन लोग के सामने ब्लॉक। बस वो डर को ख़त्म करने का है। जिस दिन वो डर ख़त्म हो गया उस दिन से अपन असली ब्लॉगर बन जाएंगे। वैसे तो मेरा मेन मोटिव मोटो ब्लॉग है, इसके लिए मेरे चैनल का नाम मुसाफिर है। आज का जो ब्लॉग था हमारा, आज का जो ब्लॉग था अपना, वो था इस मेरी एक्सेस पे, एक्सेस 125 2018 पे। तो वैसे तो इससे मैंने बहुत सारी राइड करी है, लोनावला भी गया हूँ इसको लेके, बट ये इतना लंबा जाने के लिए बनी तो नहीं है, लेकिन लेके जा सकते हैं आप, कम्यूटर बाइक है ये और इसको आप ज़्यादा दूर तक भी लेके जा सकते हैं। हम लोग गए थे सत्या को, तो आप जानते हो गए सत्या जो हमारे साथ 2-3 वीडियो में है, रैपर है वो उसकी दीदी की शादी थी मुलुंड में, तो हम लोग गए थे मुलुंड उसकी दीदी की शादी में। तो वहाँ से हम लोग ने डिसाइड किया था कि खाना खाने के बाद थोड़ा आगे जाके आते हैं, लेकिन थोड़ा तो नहीं, हम लोग मुलुंड से सीधा निकल गए लोनावाला इसको लेके। प्लान तो नहीं था बट ऑन द स्पॉट प्लान बना और निकल गए। तो गए थे हम लोग इसको लेके एक्सेस को, रात में 1 बजे निकले थे मुलुंड से। तो वो टाइम पे तो बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में थी, अच्छी कंडीशन में तो अभी भी है, लेकिन फिर भी 1-2 साल हो गए इसको, तो उम्र तो हो गई ना इसकी। 2020 में गए थे हम लोग, 1 दिसंबर 2020 को, तो जब से हम लोग इसको चला रहे हैं, जब से ये है हमारे पास में, तो इसी के लिए आज मैंने सोचा इसके ऊपर भी एक ब्लॉग करते, क्योंकि ये भी है घर में।
तो कभी आगे टाइम मिला नहीं मिला, फिर अभी डैडी तो फिलहाल बाहर गए इसके लिए अपने पास में है, अगर डैडी होते तो नहीं मिलती है गाड़ी चलाने, क्योंकि वो काम पे रहते हैं तो लेके जाते हैं इसको। और एक गाड़ी है जिसके ऊपर भी एक ब्लॉग बनाएंगे आगे कभी, तलक के लिए तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आ रहा है ना अंकल, इतना आ रहा ना? हाँ अभी मेरा शुरुआत है ना अंकल, इसके लिए ये छोटा स्टैंड है, सब कुछ छोटा छोटा है इसमें। और लोग तो कैसे कैमरा लगाते हैं, अभी मेरे पास कैमरा नहीं है इसके लिए मैं फ़ोन लगाता हूँ। अंदर जाने देते फिर? अच्छा चार से पहले आएगा तो अंदर जाने मिलता है। अच्छा ठीक है, अच्छा लगता है किसी से भी बात करके। वो बता रहे थे कि अंदर जा सकते हैं यहाँ से, उस दिन हम लोग ने वहाँ बैठ के वीडियो निकाला था वो जगह पे, लेकिन अंदर नहीं जाने मिला था। हम लोगों को लगा अंदर नहीं जाते, बट वो उन्होंने बताया कि जा सकते हैं 4 बजे तक, उसके आगे 4 बजे से ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो नहीं जा सकते। तो यही थी आज की वीडियो इसके बारे में, एक्सेस के बारे में। बहुत दिनों से खड़ी थी, 3-4 दिन हो गए थे ऐसी खड़ी हुई थी ढक के, तो सोचा आज इसमें फ्यूलिंग भी करानी थी और सोचा थोड़ा इस पर ही एक ब्लॉग बना लेते, तो इसके लिए निकाला था इसको। तो अब अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मुसाफिर को दुआ दीजिए।